नमस्कार, आज मैं टमाटर चटनी बना रही हूँ। इस चटनी को आप 6 से 7 दिन तक रख करके खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है 500 ग्राम। और ये है व्यड़ीगी मिर्च, इसको मैंने 250 ग्राम लिया है और इसको 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। ये मिर्च जो है ऐसे रहता है, देखिए। तो इसको आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में मिल सकता है या फिर आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ लिया है 20 से 25 और करी पत्ता 10-15 चाहिए हमें। और इधर उड़द की दाल और राई के दाने 1/2 चम्मच लेना है। तो सबसे पहले हम टमाटर को काट लेंगे। यहाँ काटते समय देखिए ये वाला हिस्सा जो है इसको निकाल देंगे हम, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है पकने समय हार्ड हो जाता है और पकता नहीं है अच्छे से। तो इसीलिए हम इसको हिस्सा है इसको हम काट के फेंक देंगे। तो अभी मैंने सभी टमाटर इसी तरह से काट लिया है। अभी एक कढ़ाई मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें 1 चम्मच में तेल डालूंगी। आप चाहे सरसों का तेल या फिर सनफ्लावर या सोयाबीन कोई भी तेल ले सकते हैं। इसमें लहसुन हम डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। लहसुन थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें हमारा जो भीगा हुआ मिर्ची था इसको हम डालेंगे। अगर आप बेड़गी मिर्च की जगह आपका नॉर्मल मिर्च ले रहे हैं तो कम डालें, क्योंकि बेड़गी मिर्च जो है ये वाला मिर्च इसका तीखा कम रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है मैंने। तो इसको हम पानी उड़ने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इस समय गैस का फ्लेम जो है हाई रखें। 2 से 3 मिनट मिर्ची और लहसुन को भुनने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर। और टमाटर को हम लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएंगे, ताकि ये जो इसका पानी वगैरह है थोड़ा सा उड़ जाए। ये देखिए इसका पानी नहीं है टमाटर का और सूख गया है और सारे अच्छे से पक गया है टमाटर, मिर्ची और लहसुन भी। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे लगभग 10 मिनट के लिए या फिर जब तक ठंडा हो जाए। अभी ठंडा होने के बाद मैंने एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है इसको और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो अभी मैंने पीस लिया है दरदरा, आपको पीसना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है। अभी एक कटोरी में हम डालेंगे और लास्ट में हम इसको छौंक लगाएंगे। मैंने नमक नहीं डाला था, तो अभी इतना जो टमाटर चटनी है इसमें अब 1 बड़ा चम्मच नमक डाल सकते हैं। अभी हम इसमें छौंक लगाएंगे। तो इधर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और इसमें राई और जो हमारा उड़द का दाल था उसको डाल दिया है और करी पत्ता डाल दिया है। ज़्यादा आपको नहीं जलाना है इसको। अभी हम इसमें छौंक लगा देंगे। अगर आप दूसरी रेसिपी वगैरह देखना चाहें तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो ये टमाटर चटनी जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और आप इसको 6 से 7 दिन तक बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी ग्लास का कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं और रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और इस रेसिपी के बारे में और आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।